बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ मौज़म जाफरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एलिया कंसल्टेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त मेरे साथ स्टूडेंट मोहम्मद वलीद, जिसका ताल्लुक हाफिज़ाबाद से है। रिसेंटली ये बच्चा यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आया। आप जानते हैं कि मैं भी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हूँ, तो आज इस स्टूडेंट से मुलाकात हुई, अच्छा लगा। पूछते हैं वलीद की ज़ुबानी के वलीद को ऑस्ट्रेलिया में आके कैसा लगा, कितने दिन हो गए यहाँ पर आए हुए, ड्यूटीज़ के हवाले से क्या, मतलब आजकल काम के हवाले से क्या सिचुएशन है, और बहुत सारे सवाल जो आप सुन के आपको अच्छा लगेगा और आपके नॉलेज में अजाफा होगा। तो वलीद, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया। तो कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा वलीद, मुझे प्लीज़ अपना प्रोफाइल थोड़ा सा बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना इंट्रोडक्शन आप करवाइएगा, फुल नेम आपका। मेरा नाम मोहम्मद वलीद है और मेरा ताल्लुक हाफिज़ाबाद से है, और मेरा मैट्रिक जो है 2020 का है और इंटर 2022 का है। ओके, इंटर और मैट्रिक 20 और 22 का। जी मैट्रिक में आपके कितने नंबर थे? मैट्रिक में मेरे 745 थे। 745, और इंटर में आपका परसेंटेज क्या थी? इंटर में मेरी परसेंटेज थी 52%। 52, और आइट्स या पीटी में से आपने क्या किया हुआ? आइट्स पीटी किया हुआ था मैंने। पीटी, और क्या पीटी के क्या स्कोर थे? पीटी के मेरे स्कोर थे 52। 52, अगर मैं इंडिविजुअली बात करूँ तो याद है आपको कि अगर लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग पूछें तो? लिसनिंग 53, राइटिंग 54, ओके, रीडिंग 40, रीडिंग 52, ओके, एंड आई थिंक 47, आई थिंक सो एक में आपके थे। एनीवेज 52 ओवरऑल जो स्कोर था वलीद का। और वलीद, आपका एडमिशन यहाँ पे कहाँ पे हुआ, बैचलर में हुआ, डिप्लोमा पे हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी मेरा एडमिशन जो हुआ है बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हुआ है। ओके, और कॉलेज कौन सा है आपका? मेरा कॉलेज किंग जोन इंस्टीट्यूट है। किंग जोन इंस्टीट्यूट और बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। प्रोफाइल आपको वलीद का जो है वो पता चल गया। अच्छा वलीद, मुझे बताइए कि आप ऑस्ट्रेलिया कब आए थे? मैं ऑस्ट्रेलिया 29 जून को आया था। 29 को, मेरे ख्याल से 30 को या 1 को ईद थी। 30 को ईद थी। 30 को ईद थी, तो आपने ईद क्यों नहीं वहाँ पे घर पे की? ईद इसलिए नहीं की कि टिकट महंगी थी ईद के बाद। अच्छा अच्छा अच्छा, टिकट्स जो थी ईद के बाद की महंगी थी, क्योंकि ईद के बाद हर स्टूडेंट ज़ाहिर है सफ़र करना चाहता होता है, तो इसलिए। तो आपको कितने की टिकट मिली जो 29 की थी? 2,80,000 या 3,00,000 की मिली। ओके, 2,80,000 से लेकर 3,00,000 तक की टिकट जो है वो मिल गई थी। और वलीद 29 तारीख को यहाँ पे। अच्छा वलीद, आपको जैसा कि आपने बताया कुछ वक्त पहले मुझे कि आपको एक फ्रेंड ने रिसीव किया एयरपोर्ट से, यहाँ पे आके आपको कैसा लगा कि यहाँ की लाइफ जो है वो इन 10 दिनों में, तो ज़ाहिर इतनी जल्दी तो नहीं पता चलता होता किसी भी चीज़ का, तो ओवरऑल कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन देखें थोड़ी सी परेशानी होती है आके, क्योंकि आपने पहले इतना कुछ नहीं फेस किया होता। सही है, तो यहाँ आके आपको चेंजेस मिलते हैं, चेंजेस होती हैं, ठीक है, लाइफ में। तो अकोमोडेशन का इशू तो नहीं हुआ यहाँ पे आपको? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं हुआ। ठीक है, इसके अलावा कोई फूड डिफरेंस या ज़्यादा, क्योंकि देखें यहाँ पे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कम्युनिटी रहती है, या यहाँ पे रेस्टोरेंट आपको पाकिस्तानी मिल जाएंगे। जी जी। आपको इवन दो घर में जो ज़ाहिर है आप जिस स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं वो भी अपने ही लोग होते हैं। तो आप जहाँ पे रह रहे हैं, किस एरिया में आप इस वक्त स्टे कर रहे हैं? मैं ओबन में रह रहा हूँ, गिब्सन स्ट्रीट में। ओके, और वहाँ पर आपके साथ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ही रह रहे हैं? पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, हाफिज़ाबाद से हैं क्या वो भी? हाफिज़ाबाद से नहीं, कराची के हैं और कुछ सरगोधा के हैं। ओके, ठीक हो गया। अच्छा दूसरा मुझे ये बताइए कि आपका जो केस था उसका प्रोसेस आलमोस्ट कितने महीने लगा? आलमोस्ट 5 to 6 months। 5 to 6 months हो गए। अच्छा, हमने कमिटमेंट किया था वलीद के साथ कि 4 माह में काम हो जाएगा, लेकिन 5 से 6 महीने लगने की रीज़न एक ये थी, क्योंकि वलीद को मैंने ये सारी अपडेट पहले भी बताई थी कि एडमिशन को लेके इशू आ रहा था कि किसी भी कॉलेज में हमारा बैचलर के लिए एडमिशन नहीं हो पा रहा था। हम एफ़र्ट्स कर रहे थे कि हमारा बैचलर के लिए ऑफ़र लेटर मिल जाए, लेकिन एक दो कॉलेजेस ने हमें रिफ्यूज़ किया एडमिशन। लेकिन फाइनली किंग जोन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो किंग जोन ने हमें ऑफ़र जो है वो हमारा एक्सेप्ट किया। और उसके बाद वली, फ़ी कितनी डिपॉजिट आपकी हुई थी? फ़ी मेरी डिपॉजिट हुई थी $8,000। $8,000 आपका डिप्लोमा टू बैचलर है या डायरेक्ट बैचलर के लिए? डिप्लोमा टू बैचलर है।
ठीक है, डिप्लोमा लीडिंग यानी डी टू डी जिसे कहते हैं, और 52 पीटी था वलीद का, 8000 अगर ट्यूशन फीस थी तो इट मींस कि अगर हम टोटल केस की कैलकुलेशन की बात करें तो अराउंड, देखें हमने वलीद के साथ केस किया था, एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि नो विन नो लॉस पे किया था वलीद, 6 माह पहले की ज़ाहिर बात है, आप शेयर कर सकते हैं कि आपका एक्सपेंस जो है वो कितने आए थे, हमारे साथ आपकी डील जो है वो कितने में हुई थी? वो हुई थी 28 लाख में। 28 लाख में जी, बैचलर के लिए 28 लाख, जो कि अब भी हम कर रहे हैं 40+। उसकी रीज़न ये है कि जब वलीद ने केस प्रोसीड किया था तब डॉलर का रेट इंतहाई कम था, लेकिन इन 6 महीनों में आप सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, बल्कि हर हवाले से देखा जाए तो एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं, तो इसलिए करंटली हम जो चार्ज कर रहे हैं वो 40+ चार्ज कर रहे हैं, लेकिन वलीद का इंतहाई मुनासिब में जो है वो हो गया था। इसमें कितने आपने इनिशियल डिपॉजिट करवाया था और कितने वीज़ा के बाद दिए थे? हाफ है वीज़ा से पहले दिए थे और हाफ वीज़ा के बाद दिए थे। ठीक है, हाफ पेमेंट सही है। और इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी इंक्लूडेड थी इस 28 लाख में? 28 लाख में हेल्थ इंश्योरेंस थी, ठीक है, उसके बाद आपकी ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस थी, ठीक है, मेडिकल क्या आपने खुद से पे किया था या वो भी हमारी तरफ से था? वो भी मेडिकल, एम्बेसी फीस, बायोमेट्रिक, जी जी वो सब आपकी तरफ से था जी। ठीक है, तो ये 28 लाख में सारे एक्सपेंसेस एलिया कंसल्टेंट ने बियर किए और वीज़ा आने पे, और अगर खुदा ना खास्ता वलीद वीज़ा आपका ना होता तो उन इन दैट केस क्या नो विन नो लॉस पे क्या कंडीशन थी हमारी? कोई नुकसान नहीं है हमारा, कोई लॉस, आपने 28 ही हमारे वापस देना है। ठीक है, मतलब आपने जो हाफ पे किया था 14 वो टोटली रिफंडेबल था। तो वलीद क्या आगे जॉब के हवाले से बताएं थोड़ा कि काम कहीं पे आपने देखा, लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस है मेरे पास। लाइसेंस है आपके पास। स्टूडेंट्स, आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या रिकमेंड करेंगे यहाँ पे 10 दिनों में क्या नोट किया आपने? एक तो मैंने लास्ट वीडियो बनाई कि जिसमें मैंने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस होना इंतहाई ज़रूरी है, तो इस बात में कितनी हकीकत है आप भी ज़रा स्टूडेंट्स को बता दें। जी, ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, और ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर आप गाड़ी वगैरह नहीं चला सकते इधर। ज़ाहिर है जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी अर्निंग है वो इसी में ही है, उबर, चाहे आप मतलब कि उबर एक्स करें, उबर एक्स मेरे ख्याल से होता है जिसमें आप पैसेंजर्स को जो है वो अप एंड डाउन जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। उबर ईट्स है जिसमें आप फूड डिलीवर कर सकते हैं, और बाकी है कि डोर डैश मैन्यू लॉग, तो ये बेसिकली ये डोर डैश मैन्यू लॉग इसी तरह जिस तरह उबर ईट्स है एप्लीकेशंस हैं, और जिस तरह पाकिस्तान में फूड पांडा है, ठीक है, जी जी, और इसी तरह आप एप्लीकेशन है उनके ऊपर आपने अकाउंट बना लेना, और अपनी कन्वेंस अगर आपके पास है, गाड़ी है या बाइक है, तो आप उसके ऊपर जो है वो फूड डिलीवर जो है वो कर सकते हैं, और अच्छी खासी अर्निंग यहाँ पे मैंने देखने को मिली है। कि देखें एक्सपेंस भी यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। वलीद, आप आए थे कितने फंड्स लेके आए थे जब आप 10 दिन पहले आए? मैं जब आया था $1200 लेके आया था। देखें $1200 मोर देन इनफ है जब आप नए आते हैं यहाँ पे। देखें इनफ तो जितने भी हों कम है, लेकिन ये है कि एटलीस्ट आप अपनी फैमिली के ऊपर उतना बोझ डालें कि एक तो देखें ना कि उन्होंने आपके लिए लाखों रुपए इन्वेस्ट किए, और फिर अगर आप आते हुए उनको बोलें कि जी हमें बहुत सारे फंड्स जो हैं वो चाहिए, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। एटलीस्ट उतना लेके आए जो आपका कुछ दिनों की जो है वो हो, एक्सपेंसिस हों, और उसके बाद फिर आप अपना कमाएँ और अपना जो है लाइफ को जो है वो इंजॉय करें। तो नेक्स्ट क्या प्लान है वलीद आपका? हाँ, क्लासेस के हवाले से मुझे बताएं कि आपने इनरोलमेंट करवा ली है कॉलेज में? इनरोलमेंट मेरी हो गई है, और वेडनेसडे एंड ट्यूसडे मेरी क्लासेस हैं, 2 दिन क्लासेस हैं पर वीक। अच्छा, पर वीक 2 दिन क्लासेस हैं। ये पॉइंट आप अक्सर सवाल करते हैं कि क्लासेस के हवाले से, तो जैसा वलीद ने बताया कि हफ्ते में 2 दिन क्लासेस हैं, और उसमें आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स क्या पढ़ते हैं, कौन अच्छा पाकिस्तानी टीचर्स होते हैं यहाँ पे? पाकिस्तानी टीचर्स भी आए थे, पाकिस्तानी थे, एक इंडियन था और 2 ऑस्ट्रेलियन थे, ठीक है, और एक और था जैपनीज थे एक। अच्छा, कोर्स चेंज के हवाले से जब आप यहाँ पे आए तो आपको किसी ने मशवरा दिया कि कोर्स बदल लें अभी फौरन से? नहीं, अभी तो नहीं, उन्होंने कहा ये सेमेस्टर आप करें और इसके बाद कोर्स चेंज कर लेंगे,
अगर हो सका तो कॉलेज भी चेंज कर लें। ठीक है, अच्छा उसमें भी देखें सेमेस्टर एटलीस्ट आपको ज़रूर गुजारना चाहिए, क्योंकि मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जिस कॉलेज में आप आएँ 6 माह ज़रूर पढ़ें उसमें, क्योंकि आते ही अगर आप कॉलेज चेंज करते हैं, इनरोलमेंट नहीं करवाते, तो उस चीज़ का 2 नुकसान है। एक तो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़ाहिर है वो कॉलेज एडमिशन नहीं देगा उस कंट्री से, ज़ाहिर है एक वक्त आएगा कि वो जब देखेगा कि बच्चे आते हैं हमारे कॉलेज और आके आगे से भाग जाते हैं, तो फिर वो ज़ाहिर एडमिशन तो नहीं आने वाले बच्चों को देगा। तो कोशिश करें एटलीस्ट 6 मंथ ज़रूर गुजारा करें, उसके बाद आप स्विच कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। और बाकी वलीद थैंक यू सो मच, घर की याद तो ज़ाहिर है आती होगी, लेकिन कोई नहीं, खैर है, नए नए हैं, आपको अभी थोड़ा सा फील होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपकी स्ट्रीट के साथ ही बिल्कुल अहमद है, सभी है हमारे और काफ़ी बच्चे हैं, तो मैं उनको भी बता दिया, वो भी आपको जो है वो मिलते रहेंगे। तो काम के हवाले से भी अहमद से आप कंसल्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह वो आपको जो है वो रहनुमाई करेगा। तो अच्छा लगा आपका आना, और खुदा आपको कामयाबियाँ दे, घर वालों को परेशान नहीं करना, ना ही खुद होना है, ठीक है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप मुझे बता सकते हैं, हमारे यहाँ पे कुछ अपने बच्चे हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, तो उम्मीद है कि आपको जो है वो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं आएगा। तो बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखी हमारी, और चैनल अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ये सब्सक्राइब भी कर लें। मेरी कोशिश होगी जब तक मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, मेरे ख्याल से मज़ीद कोई 2 हफ़्ते यहाँ पे हूँ मैं, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि जी कब तक मैं ऑस्ट्रेलिया में, तो बताता चलूँगा मैं 2 हफ़्ते यहाँ पे अभी हूँ, और इस दौरान जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, कोशिश करता हूँ सिडनी में उनकी लाइफ के बारे में पूछते हैं कि कैसी गुजर रही है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।